खरगोन जिले में भिकनगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनखेड़ी गांव में एक प्रेमी ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका को मारकर अपने कमरे में गाड़ दिया, जिससे हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि महिला एक माह से लापता थी, जिसकी गुमशुदगी परिजन ने थाने पर दर्ज करवाई। इस दौरान अज्ञात सूत्रों से मिली जानकारी में मामले का खुलासा हुआ और पुलिस की मौजूदगी में ग्रामीणों ने लाश को बाहर निकाला। जानकारी में यह भी बताया गया कि प्रेमी संतोष ने पत्नी को छोड़ दिया, वहीं प्रेमिका अपने पिता के साथ भिकन गांव में रह रही थी। बहरहाल पुलिस ने मामले की बिंदुवार विवेचना करते हुए संतोष को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। मैं क्या अब ये संतोष बोलकर और ये छोरी का कोई प्रेम संपर्क चलता था और ये उसको यहाँ पर 24 तारीख को लेकर आया और 24 तारीख के बाद हमने एक दो दिन इधर उधर ढूंढा और 30 तारीख को गुमशुदा की रिपोर्ट डाली। और जैसे रिपोर्ट डाली तो फिर 3 तारीख को पुलिस वाले भी आए यहाँ पर और हमने भी खोद कर देखा थोड़ा बहुत, तो उसमें संतुष्ट नहीं रहा। फिर भी हमने अभी परसों 24 तारीख को रिपोर्ट के नाते दिल्ली रिपोर्ट के वहाँ आए और कहा कि साहब ऐसे जगह हमको पता चला कि वो छुरी पीछे कमरे में है, विश्व सूत्रों से लगा खबर। तो फिर उन्होंने कहा कि कल तो गणतंत्र दिवस है और बुधवार चलते हैं, तो आ गए कल आज और उन्होंने या हमारे से खुदाई कर हम उनकी उपस्थिति में खुदाई करी, पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में खुदाई तत्काल कार्रवाई और वो 3 फीट 5 इंच पर लाश मिल भी गई। अब आपकी क्या मांग है आरोपी? मांग यही है कि जो है हमारा मुख्य आरोपी उसको भी फांसी की सजा हो और जो इसके साथी हैं उनको भी इस केस में पूरा लिया जाए और जो नियमानुसार सजा उनको भी दिलाई जाए। ये बेकन गांव की छायाबाई नाम की महिला थी, इसकी गुमनसान रिपोर्ट जो है 3 तारीख को दर्ज हुआ था जनवरी में। इसकी सूचना मिली थी कि कोई संतोष नाम का संदेही है, उसने अपने घर में इसको मारकर गाड़ रखा है करके, जिस पर अभी मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। Subscribe now to most exciting channel ever.